हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी। स्टूडेंट्स आज हम बात करने जा रहे हैं साइंटिफिक असिस्टेंट के डाउट की। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि साइंटिफिक असिस्टेंट का पेपर अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ है और बी.टेक बोला जा रहा था कि अलाउड नहीं है इसके अंदर, तो आज हम क्लियरिफाई करेंगे कि बी.टेक इसमें अलाउड है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो स्टूडेंट्स यह है एक आरटीआई का रिप्लाई जो कर्नाटका केरला रीजन से दी गई थी और इसके अंदर ये साफ साफ बताया गया है कि बीएससी बी और बीटेक ये सारी बैचलर डिग्रीज हैं और ये अगर किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से करी गई हैं तो ये एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए साइंटिफिक असिस्टेंट का। सो अब ये चीज क्लियर हो चुकी है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो 3 ईयर्स सब बोल रहे थे कि सिर्फ बीएससी अलाउड है, ऐसा नहीं है। बीटेक वाले भी साइंटिफिक असिस्टेंट का पेपर दे सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं और फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन्हें इस चीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसी की वजह से बीटेक के स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड जारी किए थे एसएससी ने। सो अब ये चीज क्लियर हो चुकी है कि बीटेक अलाउड है आईएमडी साइंटिफिक असिस्टेंट पेपर के अंदर। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। सो गुड बाय एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर।